हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सोहेल फिदाए एंड आई हैव मिस्टर समीर कोचर विद मी, जिनकी वेब सीरीज सेक्रेट गेम पार्ट टू आ रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। हाउ मच आर यू एक्साइटेड? वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। फर्स्ट पार्ट वाज सक्सेसफुल, वेटिंग फॉर सेकंड पार्ट। हाउ मच आर यू एक्साइटेड विद इट? वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। नॉट ओनली एम आई एक्साइटेड, आई थिंक द वर्ल्ड इज एक्साइटेड। जैसे आप कह रहे हैं, इट इज अ वेरी वेल अप्रिशिएटेड शो, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में। So very fortunate to be a part of it, you know, to work with great directors like Vikram Ratia Motwane, Neeraj Khivan, jisne is pari direct kiya hai, actors like Saif Ali Khan, Nawaz, Radhika Apte, so many other talented actors jo itni apni chhaap chhod ke gaye hain show ke andar. तो मैं बेहद खुश हूँ। और जो सारे सवाल खड़े हुए थे सीजन वन के अंदर कि क्या होने वाला है, व्हाट्स अबाउट टू हैपन इन द शो, उसका पूरा सोल्यूशन अभी सामने आएगा सीजन टू में, जो बहुत बड़े पैमाने पर बना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे थ्रिल्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे यू नो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस है फैंस को ऐसे सीक्रेट गेम जैसे शो से, वो पूरी बरकरार रख के सेकंड पार्ट को बनाया है। एंड वेरी हैप्पी एंड यू नो फॉर्चुनेट इज आई सेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। समीर, थोड़ा आप अपने किरदार के बारे में ही जानना चाहेंगे। डेफिनेटली जो लोग देखें वो तो जानते ही होंगे, लेकिन शायद जिनको थोड़ा बहुत नहीं पता। हाँ, तो और वो अभी इस बार किस तरह से कैरेक्टर रहेगा? सो आई एम प्लेइंग, मैं मारकंद का रोल प्ले कर रहा हूँ। जो आईबी से जुड़ा हुआ है, और ये बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस केस को देखते हुए कि ये शहर पे क्या, ये 25 दिन का क्या मसला है, ये ओवरऑल जो हो रहा है इस पे, ये कौन कौन ये चीज़ें कर रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का कि आईबी की तरफ से जो है वो मारकंद वहाँ पर इन्वॉल्व है, और जैसे सारे ऑफिसर साथ में आ रहे हैं इसको अनरावल करने के लिए, तो ये कलेक्टिव एफर्ट है सारी टीम का कि ये मतलब इस केस को सॉल्व करें, इस केस के अंदर जो क्लूज़ हैं उसे सामने लेकर आएं, ताकि पता चले कि भाई एट द एंड ऑफ द डे ये जो 25 दिन थे, ये जो पूरा गायतोंडे का चैप्टर है, ये सरताज का चैप्टर है, ये क्या है और क्या नहीं है। तो ये सब इसका खुलासा होगा 15 अगस्त को। तो आई एम द आई बी गाय मारकंद। जैसे कि सीक्रेट गेम ने एक बहुत ही बड़ी ओपनिंग एक्चुअली इन द वर्ल्ड ऑफ लाइक इन डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म में, लाइक एक, और उसके बाद बहुत से अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोज आने लगे। हाउ डू यू सी द टोटल ग्रोथ ऑफ दिस वेब सीरीज एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक एंड यू हैव बीन डूइंग अदर शोज आल्सो लाइक दैट, तो व्हाट्स योर रियली टेक ऑन दिस? नो, आई थिंक दे हियर टू स्टे। आई थिंक दैट वी आर इन अ वेरी एक्साइटिंग टाइम। आई थिंक वी आर दिस डिजिटल एरा इज नॉट गोना स्टॉप, इट्स ओनली गोना ग्रो। होता ना कि पहले जब टेलीविज़न था तो एक टेलीविज़न पे बूम आया, लेकिन आपके पास घंटे दिन में सिर्फ 24 थे और आपका प्राइम टाइम सिर्फ 7 से 10 बजे तक था। यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म में जगह ही जगह है, तो आप जितने भी शो बनाएं, अगर आप नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, हॉटस्टार हो, वूट हो, जो भी प्लेटफॉर्म हो आप, तो आप उसमें शोज़ डाले जा सकते हैं। और लोग जो हैं काफ़ी सारी व्यूइंग अपने फ़ोन पे कर रहे हैं, अपने घर पे टीवीज पे कर रहे हैं, अपने टाइम पर कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि लोग यू नो एक अलग किस्म के कंटेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वक्त ऐसा आ गया है जहाँ पर काफ़ी सारे आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनको अपनी कहानियाँ कभी बनानी थी, ये मंच उन्हें वो पूरी छूट देता है कि वो जाके अपनी तरीके से अपनी कहानियाँ बनाएँ, अपने शोज़ को सामने लेकर आएँ। तो मुझे लगता है कि ये ग्रो ही करेगा। एज एन एक्टर इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर मी, क्योंकि जिस तरीके के किरदार मैं निभा रहा हूँ, चाहे वो टाइपराइटर मैंने शो किया उसमें, यू नो प्लेइंग अ गोन फादर, यहाँ पर आईबी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ, फोर मोर शॉर्ट्स में आई एम प्लेइंग वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ वेल। तो ये मुझे जो मौका मिल रहा है ये डिजिटल वर्ल्ड की वजह से मिल रहा है। एंड अगर इसे आप देखें, ये शूट भी अगर इसे करते हैं लोग तो बिल्कुल फिल्म की तरह करते हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ग्रैंड कैनवस होता है, कभी कभी स्मॉल कैनवस भी होता है, लेकिन फिल्में भी छोटी बड़ी होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट आई थिंक दिस इज़ हियर टू स्टे। और बड़ा अच्छा है कि कई सारे लोग जो अपनी अपनी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, ये मीडियम उन्हें एक मौका दे रहा है कि वो जाके अपनी आवाज़ कहें और अपनी आवाज़ उठाएँ और ये अपनी जो शोज़ हैं, अपनी फिल्म्स हैं बनाएं। कहीं कहीं पर लोगों का इस तरह से भी कहना है कि यू नो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, डेफिनेटली उनको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ फिल्म मेकिंग है, मगर कभी कभी थोड़ा एक स्टेप अहेड जाकर, बिकॉज इट्स नॉट बीन सेंसर्ड एक्चुअली, यू नो लाइक देयर इज नो सेंसरशिप रूल ओवर हियर। हाउ डू यू सी इट, लाइक यू नो देयर शुड बी एक लाइन होनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल मेकर, क्या कहना चाहोगे? बिकॉज देयर आर पीपल हु टॉक, बहुत बोल्ड भी हो जाता है कभी कभार।
नहीं, आई पर्सनली फील एंड फाइंड नो प्रॉब्लम इन इन एन एक्सप्रेशन दैट समबडी वांट्स टू पुट फॉरवर्ड इन एनीबडी एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज. मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं ये दो तीन चीज़ें हैं, सेक्सुअलिटी और लैंग्वेज के ऊपर. मुझे लगता है कि यू नो हर एक चीज़ को आप अगर मॉनिटर करेंगे तो फिर इंसान मतलब जो बनाना चाहता है वो कैसे बनाएगा. आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें अगर कुछ देखना है तो उनको समझ है उसकी. अब आप अगर इंटरनेट पे जाएं, आपके फ़ोन के थ्रू लोग मतलब यू नो अडल्ट कंटेंट देख सकते हैं, किसी भी चीज़ पे देख सकते हैं. तो यहाँ पर लोगों को किसने कोई बंदूक तो सर पे डाली नहीं है कि आपको हमारा शो देखना ही पड़ेगा. तो ये जो मॉरल ओनस डाल रहे हैं कि लोग अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपने खुद का यू नो अपनी खुद की तरफ से सेंसरशिप करें, आई थिंक ये थोड़ा हार्श है मेकर्स के ऊपर. लोग पे कर रहे हैं इसके लिए, लोग ये फ्री में नहीं जा रहा कहीं. वो जानते हैं कि उनको क्या देखना है, उनको जानते हैं क्या देखना है, उनको जानते हैं कि किस तरीके की चीज़ें पसंद है उन्हें और ना पसंद है उन्हें. तो ये मेरे ख्याल से इतना मॉनिटर करेंगे तो फिर लोग खुल के सामने कैसे आएंगे. तो कुछ तो छूट दीजिए कि लोग करें. हाँ, टेलीविजन पर अगर आप कह रहे हैं तो वो उसकी व्यूइंग अलग है, फिल्मों में वो भी शायद अलग है. लेकिन आप यहाँ किसी जगह तो आप खुली छूट दीजिए जाके लोग जो हैं उन्हें जो बनाना है वो बनाएं, चाहे वो छोटे से छोटा फिल्म मेकर हो, बड़े से बड़ा फिल्म मेकर हो, कहानी सेक्सुअल हो, नॉन सेक्सुअल हो, कहानी में अब्यूसिव लैंग्वेज हो, नॉन अब्यूसिव लैंग्वेज हो. आप वहाँ बता रहे हैं कि इतने उम्र के लोग देख सकते हैं इसे, तो पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए. और बेसिकली अगर आपके पास दुनिया एक इंस्टेंट आपके स्मार्टफोन पर है तो आप कुछ भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर पाबंदी क्यों, सब चीज़ पे होनी चाहिए. तो समीर, जैसे कि आप हम आपको हम जानते हैं एज अ क्रिकेट मैन एक्चुअली, लाइक यू बी नोइंग फ्रॉम लाइक क्रिकेट टाइम्स सोनी में जी. तो एक वो जो एक इमेज थी आपकी, यू नो लाइक यू टू बी ऑलवेज इन अ वेरी सूटेड काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ अ पर्सन, उस चीज से थोड़ा बाहर निकल कर यू नो लाइक मोर ऑफ इनटू एक्टिंग, एज यू सेड यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ शोज जहां पर डिफरेंट डिफरेंट किरदार आप प्ले कर रहे हैं, वो कैसे हुआ और हाउ मच यू एंजॉयिंग राइट नाउ? See, I think everything in your life happens in a phase, और बहुत beautiful होता है. Cricket is a beautiful phase in my life and it still continues. मैं IPL को भी क्रिक बस पे होस्ट कर रहा हूँ. मैं हमेशा से साल में सिर्फ दो महीने क्रिकेट होस्ट किया करता था, पर क्योंकि इतना बड़ा शो था, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था सोनी का, तो जो भी ये शो देखता था, ये जो साल में दो महीना ये जो कार्निवल कह लीजिए, मेला कह लीजिए, जो हिंदुस्तान में आता था, इसे हर एक इंसान देखता था. और बहुत मुझे, और क्योंकि मैं इसका यू नो इसको होस्ट कर रहा था, इसका सेंट्रल फिगर था, तो बहुत लोगों ने मुझे उस अवतार में देखा एज अ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, एज द फेस ऑफ द IPL फॉर सोनी. तो यू नो मेरे ख्याल से एक परसेप्शन होती है कि काफ़ी सारे लोग कभी कभी लगता है कि यार नहीं यार ये तो मेरे ख्याल से वो सूट पहन रहा है, ऐसे बात कर रहा है, ये मेरे ख्याल से ही इज़ मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर देन वॉन्टिंग टू बी एन एक्टर. पर ये जो है ये खूबसूरत फेज़ था, लेकिन अब एक नया फेज़ है मेरी लाइफ में जहाँ पर मैं एक्टिंग को जो मैं करने आया था दिल्ली से बॉम्बे वो मैं कर रहा हूँ. और मुझे बेहद मज़ा आ रहा है कि मैं यू नो इस अलग अलग रोल्स प्ले करने को मिल रहे हैं. लोगों की जो परसेप्शन है मेरे बारे में वो काफ़ी खुल सी गई है जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ. अभी मैं हाल ही में एक शो कर रहा था, मैं अमेज़ॉन पे फोमो शॉर्ट्स कर रहा हूँ मैं सीज़न 2. तो इसके अंदर जब मैं इसको कर रहा था तो मेरी जो डायरेक्टर है नूपुर अस्थाना, जब मैं इनसे मिला पहली बार तो मुझे पहले मुड़ के देख के कहते हैं कि आप एक्टिंग करते हैं? मैंने कहा जी मैं करता हूँ. कहते नहीं आपको तो IPL पे देखा है इतना. मैंने कहा जी मैम आप मुझे आप कैमरा पे लगाई तो सही, फिर देखते हैं क्या होता है. एंड सो इट्स अमेजिंग कि हाउ पीपल डोंट यू नो परसीव यू इन अ सर्टन वे. बट अब चेंज हो रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी. बहुत मज़ा आता है कि यू नो गेटिंग चैलेंजिंग रोल्स, यू गेटिंग ग्रेट स्क्रिप्ट्स, ग्रेट फिल्म मेकर्स टू वर्क विद. अभी अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक महीने में मेरे दो शोज़ आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, टाइपराइटर भी रिलीज़ हुआ है और सीक्रेट गेम्स आ रहा है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आई एम पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम पीपल लाइक यू नो सुजॉय घोष, नीरज घेवान, विक्रम मोटवाने, ऐसे लोगों के साथ काम करना, तो सीखने को इतना मिलता है दैट यू नो आई एम ग्रोइंग एज एन एक्टर एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट. सो जितना मुझे प्यार मिला एज एन एंकर और होस्ट और जो मिल रहा है, बट आई एम वेरी हैप्पी ये कि एक नया दौर है, एक नया फेज़ है जहाँ पर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और यू नो मेरी जो मन की ख्वाहिश है, जो मैं दिल से करना चाह रहा हूँ, वो पूरा निकल के सामने आ रहा है. इसके अलावा लाइक कुछ अदर थिंग्स हैपनिंग लाइक शोज तो हो रहे हैं, फिल्में वगैरह, कुछ फिल्में या पार्ट ऑफ एनी फिल्म्स के अभी आप बिजी विद? आई जस्ट फिनिश्ड दिस फिल्म को, जिस फिल्म इज रिलीज कॉल्ड हमें तुमसे प्यार कितना,
with Karan Veer Bohra and things. Okay. That was one film I did. But right now I'm totally swamped with the shows I'm doing. And yes, I mean, in the future, of course, whenever there is a great opportunity, I will jump to it. But filhal main digital world pe kafi sare ye filme aur web shows kar raha hu. Sameer, we wish you all the best. Thank you. And hum aapko filmon mein, television pe, cricket pe, thank you every time. And it's always happy to see you. Thank you, brother. All the best. Thank you.